When cyclist 2 reaches town B, cyclist 2 is a dotted line, and now you see 10 a.m. Yes? cyclist reaches town B. So how far was the cyclist 1 from the town A? साइक्लिस्ट वन कहां पर था उस टाइम में? हाउ फार वॉज द साइक्लिस्ट वन फ्रॉम टाउन ए? किया नहीं तुमने अभी तक? शिवानी सक्षम, कोई आंसर? शिवानी ने तो क्वेश्चन ही पूछा. सक्षम, नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हेन साइक्लिस्ट ए रीचेस टाउन बी, तो मैंने बता दिया कि इट रीचेस टाउन बी एट 10 एम. तो एट दैट टाइम साइक्लिस्ट ए कहां था शिवानी? साइक्लिस्ट वन कहां था? नहीं, 10 किलोमीटर मतलब मैं 10 किलोमीटर कैसे, कहां पर? मेरे को तो नहीं दिख रहा था साइक्लिस्ट ही कहां पर था. मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ हाउ, मैंने हाउ फार नहीं पूछा. आई वांट अ पॉइंट, वेयर इज द साइक्लिस्ट वन. व्हेन साइक्लिस्ट टू रीचेस टाउन बी, साइक्लिस्ट टू इज अ डॉटेड लाइन एंड नाउ यू कैन सी द साइक्लिस्ट रीचेस टाउन बी एट 10 एम. तो व्हेन साइक्लिस्ट टू रीचेस टाउन बी, टाउन बी कब पहुंचा? इट इज 10 एम. 10 एम पे वो कहां था? साइक्लिस्ट वन, नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली अगेन. देखो ये समझाने से नहीं होगा, क्वेश्चन को समझने से होगा. द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द जर्नी मेड बाय टू साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट वन एंड साइक्लिस्ट टू. वन फ्रॉम द टाउन B to A means the cyclist 1 is moved from town A to town B, and the other town A to B. And now you see cyclist 1, town B to A, it moves from town A to town B to A, and the cyclist 2 is moved from town A to town B. Now when cyclist 2 reaches town B, town B pe pahuncha hai 10 am. So how far was the cyclist 1 from the town A? अब वो टाउन ए से कितना दूर है? तो शिवानी ने पीछे से आंसर देख के बता दिया क्या? 10 किलोमीटर. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. Now it's okay. Question number क्या था? Question number 16. और अब मुझे ये बताओ कि 9:30 टू 10 साइक्लिस्ट ए जो है वो कहाँ पहुंचा, कब पहुंचा? 10. और नाउ यू सी द साइक्लिस्ट वन रीचेस एट व्हाट टाइम? साइक्लिस्ट, यू कैन सी द ग्राफ केयरफुली मंजीत. यू सी दैट द साइक्लिस्ट, व्हाट इज द साइक्लिस्ट टू रीचेस हियर एट व्हाट टाइम, एंड साइक्लिस्ट साइक्लिस्ट वन रीचेस एट टाउन ए एट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? हाफ एन आवर. सो इन हाफ एन आवर हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय साइक्लिस्ट ए? नॉट 5, इट्स 10 किलोमीटर. 9:30. यस, इज दैट क्लियर और नॉट? उसकी स्पीड अलग है. तुम ए को, इसको मत देखो नीचे डॉटेड लाइन. वी हैव टू आंसर फॉर दिस. हाउ फार वॉज द साइक्लिस्ट वन फ्रॉम द टाउन ए? सी शिवानी, देयर इज अ टाइम, बिकॉज
Now the cyclist 1 reaches at town A at 9:30, but the cyclist 2 reaches town B at 10. So there is a 30 minute difference. Okay. Now you can see ki in 30 minutes, cyclist 1 cover how much distance. So yahan par dekho 30 minute mein wo kitna 10. Yes. Is that clear? Now Shivani, clear? क्वेश्चन को समझना है, इसको कहीं भी हम लिख नहीं सकते, कर नहीं सकते, जस्ट सी एंड वॉच. यहाँ देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइम. यस, बिकॉज़ ये क्या है, कौन है, साइक्लिस्ट 1 रीचेस टाउन ए एट 9:30 एंड साइक्लिस्ट 2 रीचेस टाउन बी एट 10. सो देयर इज अ 30 मिनट एंड सो यू कैन चेक व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट 1 इन 30 मिनट. That is the actual difference. Okay? Clear everyone? Okay. Now let us start chapter number 24, pie chart. Chapter number 24, pie chart. And now you see, you all can submit the homework. Till maine usme mention kar diya, please you go through. You can submit homework according to the app. Okay. अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने 23rd उसमें इंक्लूड किया है कि नहीं किया है. If 23rd is included, so you have to send homework till 23rd. 24 को हम लोग next week use करेंगे. So now, what is pie chart? और अब एक सबसे important चीज ये है कि pie से तो तुम्हें ये चीज clear हो रहा होगा कि पाई इज रिलेटेड टू द सर्कल. यस, हाउ पाई इज रिलेटेड टू द सर्कल. नहीं यू मंजीत, यस बैठ जाओ, मैं ही बता देता हूं. सो सी, पाई इज रिलेटेड टू द सर्कल बिकॉज whenever we find the circumference of a circle, we use pi, 2 pi r. Yes, and when we find the area of the circle, then we use pi r square. So pi is a value which is useful to find out the length of the circle or the area of the circle. Understood? ठीक है, इसीलिए उसको एक specific value दी गई है, that is called pi, और उसकी value होती है 22/7 और 3.14. Yes, clear. और इसीलिए इसको पाई बोला हुआ है क्योंकि एक पाई की तरह होता है. You know पाई? नहीं, पाई नहीं पता किसी को? खाने की चीज होती है जी. Yes, पाई. तो वो भी सर्कुलर होता है, दैट इज वाई दिस शेप. ये सब एक नाम के अकॉर्डिंगली इसको समझने की चीज है. सो नाउ द पाई चार्ट, जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. नाउ one thing, the circle is equal to 360 degree. Yes, everyone in online also. अरे मेरी दिखेगी नहीं, पता नहीं क्या कौन सा मार्कर यूज कर लिया मैम ने. See now it is visible and 360 is also visible here. Circle is basically of a 360 degree. And now suppose this is the center. Okay. Now you see example number 1. How we represent this value in a pie? Tukda. Jaise ek chapati. Chapati is also in a circular shape. Yes. Usi tarah ka hota hai. Pizza is also in a circular shape. Theek hai. Usi tarah ki cheez hai aur isko hum tukdon mein kaise baatenge? You can now see. A man with a monthly salary of 21600 plans his budget for a month as given below. Up now he want to spend some, or he want a now for this he want to make a pie chart. Yes. Now see the for food he want to spend 6300. This chapter is there in your book. Okay. So rent and he may pay the rent of 44,200 and then education 3900
and saving 4800, miscellaneous 2400. So how do we represent this value in a pie chart? So there is a formula for this. Out of 360, we can now you see angle. So we can represent in a part, that is basically called a central angle. So central angle is equal to value of component upon total value multiplied by 360, because it is a circle, so we can change like this. Clear? Now the first is food. So food is what? 6300 upon 21600 multiplied by 360. So now please calculate it fast. Okay. So everyone take out the value, all values. Second is what? Rent. Rent is what? 4200 upon 21600 multiplied by 360, which is equal to 70 degree. Okay, good. So everyone now find the others. Sabhi find kar lo uska. On education it is 65 degree, on saving it is 80 degree, sorry, miscellaneous is 40%. So now theek hai, abhi now everyone take a draw, fatafat ek circle draw karo sabhi. Everyone draw fast a circle, because the values are here. I will show you how you make a pie chart, then you all will do by your own, because today I want to finish your maths syllabus. And take out a D, the protector. Now remove the pencil from the compass. Fast everyone, remove the pencil from the compass. First draw a circle and remove the pencil from the compass. Take a scale and protector. Now draw. Yes. It is 105 degree, not 110. Yes, the first is 105 degree. So this is given in the book only. Everyone see, this is here. Is it be visible? So this is the example number one. I just want to tell you how to draw this pie chart. Yes. Now everyone make a circle with any radius. With the help of scale, draw a line like this. Okay, now put a protector on this line and take a measure of 105 degree angle. And it may be not lie in a circle. It may be, the point is, maybe not lie in a circle. Just show me. Tumhe banana nahi aata? Here is the 105 degree. 105. Is here. Yahan par 105. Now you see, this is your baseline. So it is 0 degree. It is your baseline, so it is a 0 degree. And then anywhere in the point, no problem, you put a scale and draw a line.
within a circle. Don't draw the line outside. You just draw the line inside the circle like this. Yes? And you can write here food. Or you want to use color, then you can use color also. No problem. Now see, the next is what? 70 degree. Put a protector on this baseline. This is now 0 degree. Yes. Ulta. Guma ke. Yes. Now see, it is a 0 degree. Okay. Yes. Where is 70 degree? दिखाओ कहाँ है 70 डिग्री। हाँ रखो, वो उसको 110 को देखना ही नहीं है, बिकॉज जीरो स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ ओनली। ओके, नाउ एवरीवन ड्रॉ 70 डिग्री एंगल एंड सपोज दिस इज अ बेस लाइन, सो 70 डिग्री इज लाइक दिस आई थिंक, एंड जस्ट ड्रॉ द लाइन विद इन अ सर्कल एंड यू कैन राइट एंगल ऑल्सो इफ यू वॉन्ट। Now this is rent. Now this is the baseline. Take this as a baseline and draw an angle of 65 degree. Take a baseline of 70 degree. Baseline is this. Yes. Good. 65 degree. This is between 70 and 80. And baseline always consider the 0 degree. And now join line and write the angle. Maybe this is like this, 65 degree, and this is for education. Or you can use kya bolte hai usko? You can use color also, no problem. Now the next. By taking this as a baseline, see everyone. Now see, this is a baseline, and draw the angle of 80 degree with the help of protector. And 80 degree may be like this. And 80 degrees for saving. And now there is no need to draw 40 degree. It's by default 40 degree. And this is miscellaneous. Is that clear, everyone? Is it be visible to everyone or not? Good. Saksham. You clear? Yeah. Everyone clear? Good. Now can I rub this? अब मुझे ये बताओ कि नाउ एवरीवन एबल टू डू द एक्सरसाइज, देन आई विल गिव टाइम वन डे फॉर डाउट्स। ओके, इफ देयर इज डाउट यू कैन आस्क मी। यस, you all clear? So is there any doubt now? You will ask. I will give you one day for doubt. Okay, one class for doubt only, if there is a doubt. Yes, now let us start probability. This is just a one day period. And I will give you
time for doubt, it is better. If you do some questions, then you are able to find the difficulty. अगर मैं ही बताता रहूंगा तो कोई डाउट ही नहीं होगा फिर. सो आई वॉन्ट एवरी वन इधर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन विल डू द चैप्टर नंबर 24 बाय योर ओन एंड आस्क डाउट्स. डाउट्स में मैं टाइम दूंगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक दिन में कंप्लीट हो जाए. अगर एक दिन में नहीं होगा तो दो दिन टाइम दूंगा, दो दिन नहीं होगा तो तीन दिन दूंगा. ठीक है, बट इट्स बेटर टू डू इन डाउट्स. These are the very simple topics. Okay. Now the next is probability. So next is probability, and probability means the chance. Probability means chance. Chance means maybe. Maybe. Or may not be. Yes, may not be. दिख ही नहीं रहा है अभी क्या बोल कर दे. Okay, now everyone, this is visible or not? चलो ठीक है, दिख रहा है ना. So the probability is a basically chance, and chances may be or may not be for any event. Any event. Okay? Yes? Clear? So now see. There is a die. Ek die hai hamare paas. Aur usme numbers likhe rehte hain. Suppose there is 1, 6, suppose this is 6, this is 4, और जो भी है सब इसमें 1, 2, 1, 2, 6 numbers होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes? These are what? Outcomes. ये क्या है? Outcomes. मतलब अगर हम खेलना शुरू करें या dice को फेंकना शुरू करें तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 या 6 आएगा. दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी. मे बी 1 आ सकता है, मे बी 2 आ सकता है ना. और इसमें ये नहीं हो सकता, मे नॉट भी नहीं हो सकता. अगर हमने ऐसे कहा कि 4 ही आएगा, तब हम कह सकते हैं इट मे बी और मे नॉट बी. सपोज अभी वेदर हमने देख लिया और हम कह सकते हैं कि बारिश होगी बाहर. इज देयर रेन टुडे? नो. ठीक है, तुमने बोला नो, मैं इसने बोला नो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मे बी. ठीक है, बिकॉज इवेंट इज नेवर इक्वल टू जीरो. इन प्रोबेबिलिटी दिस इज द इवेंट एंड इवेंट नेवर बी जीरो. यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर इक्वल टू जीरो. यस, because there is a outcome, so definitely one possibility is there. Yes, kya possibility? Rain nahi hone ki possibility hai, to rain hone ki bhi possibility hai. It is a chance. Maybe main pichle saal aur uske pichle saal ke kuch consider karke situations ko keh raha hu ki nahi barish ho sakti hai. Theek hai, to barish hone ke liye matlab barish hone ke liye maybe or may not be. So there is two outcomes. ये मे नॉट बी का मतलब यहां जीरो नहीं हुआ. ठीक है, मे नॉट मे बी मींस वन आउटकम एंड मे नॉट बी इज द सेकेंड आउटकम. यस, क्लियर एवरीवन? सो नाउ सी, अब व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कम इवन नंबर. सो सी, first everyone write this formula. Everyone must write this formula, please. And PE is equal to now
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, क्लियर। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू राइट, पीई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। पीई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, समझ गए। वन से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एक इवेंट हो गया, तो पीई इवेंट मतलब लाइक एनी इवेंट पीई इज इक्वल टू वन। When we are finding the possibility, well, the probability of any event, like we, when we throw this die, when we throw a die once, तो कौन सा number आ सकता है? कोई भी आ सकता है, any. Now, I want ki you just tell me the probability of even number. So now see, what are the favorable outcome? 2, 4, 6 means this is 3/6. Total outcome is 6 and 3 is our favorable. So the probability for this is 1/2. Yes, it is clear now. Now, what is the probability? Shivani, tell me what is the probability of prime numbers? Shivani, tell me the probability of prime numbers from 1 to 6. How many prime number is there? Yes, Radha. Okay, 4 prime numbers. Tell me which prime number, which 4 prime number? 1, 2, 3, 5. Wow. Who tell you 1 is a prime number? 1 is prime number. You all are studying in class 8 and 1 is a prime number. Great. 1 is a unique number. Everyone must write. 1 is a unique number. 1 is neither composite nor prime. We will consider 1 as an odd number, but 1 is a unique number. Never be prime nor composite. Is that clear, everyone? नाउ इन दिस शिवानी को ये नहीं पता चला कि इसके अंदर प्राइम नंबर कौन से है। श्रद्धा को पता चला तो उसको पता चला कि 1 भी प्राइम नंबर है। तो तुम लोग को तो मुझे लगता है कि डिग्रेड करना चाहिए, क्लास 7 से 6 में 7 में भेजना चाहिए। एक दिन सभी को बिठाऊंगा मैं क्लास 7 के सबको। नाउ सी द प्राइम नंबर्स आर 2, 4 एंड 6 2, 3 एंड 5। सो द फेवरेबल आउटकम इज 2, 3 and 5. So the same 3/6 and the probability for the prime number is 1/2, 0.5. Is that clear? And there is a 50% chance. If we convert this half in decimal, then it will be 0.5. And this 0.5 is less than PE, yes, less than 1. Is that clear? And if we convert it into percentage, then it is 50%. Clear, everyone? Uske baad now, let's do with four different kind of let's do with a deck, matlab playing card. So anyone know how many टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन अ वन डेक, किसी को मालूम है? 52। गुड, कार्ड खेलते हो क्या? तो मैंने तो पढ़ाया नहीं यार पहले। अच्छा, कर लिया ये। सो नाउ सी, देयर इज अ फोर काइंड
देर इज अ फोर काइंड ऑफ कार्ड, पता नहीं बन रहा है, ओके, एंड इसको लगा दिया, लगाया भी नहीं अभी तक। ओके जस्ट गिव मी वन मिनट, आई विल अरेंज अनदर क्लास फॉर यू एंड send the link in group. Just one minute. Now see, and the color of this is black, okay, and this is called a spade, spades. After that there is a like this, mere se seedha nahi bana, whatever this, and this is called club's card. And now one is like this heart, and this is in red color and this is in black color. And this is heart. And the last one is brick, diamond shape. So this is diamond. And this is important. You have to know the color, red. And in each there is 13 cards. Yes, 10 is number card. And 3 is a face card. Face card. And 10 is a number card. In number card, 1 A and rest 9 are the number. Okay. This is in all three. And that is why the total is equal to 13 into 4, which is equal to 52. So the total number of event in playing card is 52. Yes, matlab total outcome is 52. So now this is here. So now tell me, what is the everyone koi bhi bol sakta hai, what is the probability of the face card? Yes, face card is PE and the favorable event is 3 times 4, that is 12 out of 52, and when you cancel it, it will be 3 upon 13. Yes, now what is the probability of a black A? What is the probability? Bolo Manjeet. Obviously, favorable and total, obviously. 1/26, there is 2 blacks. So there is, yes. So, pehle wo batao, P is equal to
2 अपॉन 52 एंड व्हेन वी रिड्यूस इट इट विल बी 1 अपॉन 26 यस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी दिस इज द चांस फॉर रेंडम मतलब आउट ऑफ 26 मतलब अगर हमने 26 बार एक एक कार्ड निकाला एक बार तो वो निकल ही जाएगा दैट इज द टोटल इवेंट क्लियर सो दिस इज द चांस चांस टू टेक आउट अ ए ब्लैक ए दिस इज 1 अपॉन 26 इज दैट क्लियर सिट डाउन प्लीज ओके नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज सी अभी सबको आंसर करना है अ कॉइन इज टॉस व्हाट आर ऑल पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल हाँ ठीक है इफ वी टॉस अ कॉइन व्हाट इज व्हाट आर द आउटकम्स हेड और टेल नॉट एंड हेड और टेल यस युवा नाउ इट इज क्लियर यस सर यस या इट्स नॉट एंड means either the head or tail yes. so what is the chance for head 1/2 you humne jo padha hai I don't want in decimal humne jo padha hai there is a total number kitne events hai how many total number of events is there basically the outcomes are the total number of events अरे फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर लिखा है उसको पढ़ो क्या लिखा है जस्ट रीड दैट फॉर्मूला पीई इज इक्वल टू व्हाट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ना इफ इट टॉस अ कॉइन देर इज टू आउटकम उसने बताया अभी तुम कहाँ थी देर इज हेड और टेल सो देर इज टू आउटकम यस सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर टेल टेल Yes, tell me, what is the probability for tail? अगर एक बार coin को उछालेंगे if we toss a coin, so what is the probability of tail? क्या है तुम्हारा favorable outcome? अरे favorable outcome क्या है बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा करने के लिए Yes. रिया तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि देयर इज अ टू आउटकम वन इज अ हेड और वन इज अ टेल और क्वेश्चन कह रहा है कि यू कैन फाइंड आउट अबाउट द टेल तो टेल इज आवर फेवरेबल इवेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दैट इज द फेवरेबल एंड वी नो दैट देयर इज अ टू सिट डाउन प्लीज देयर इज टू आउटकम्स वन इज हेड एंड सेकेंड इज टेल एंड इफ आई एम आस्किंग यू कि टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ tail then what is the probability of tail it's 1/2 clear hamesha to tail nahi aa sakta na ya to tail aayega ya to head aayega yes clear to वैसे हमारे पास favorable मतलब हमारे पास outcome कौन सा आ सकता है तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं yes एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वन इज द हेड एंड सेकेंड टेल सो इट मीन्स दैट द आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज टू एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टेल तो फेवरेबल इवेंट कौन सा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया टेल नाउ सी वन कॉइन टॉस किया हमने सो टोटल आउटकम is head comma tail or you can write like this also head or tail yes question is asking for a favorable event favorable outcome yes yani p t probability for the tail question ne hame pucha favorable outcome tail तो टेल क्या है कितनी बार आएगा एक ही बार आएगा है ना
सिक्का में या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, पर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज हेड और टेल, सो द फेवरेबल आउटकम इज 1 out of 2, उन दो में से एक ही तो होगा कि दोनों ही हो जाएगा। यस, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें समझ आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करते हैं, देन वी विल सी। नाउ सी, देयर इज अ टू कॉइन एंड टॉस साइमल्टेनियसली, सो टेल मी द आउटकम। एवरीवन राइट डाउन फास्ट, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? Yes, Aksham, is it visible to you? Yes, it is visible. Okay. So now see, if we toss two coins simultaneously, then there is a head in a two, both coin, two heads, matlab head, head. Yes? Now stop writing. Now see, head, head possible. Then head, tail possible. Means in first head and second tail. Now the tail head means in first tail and second head, and in third, in the fourth tail, tail. So what is the total number of outcome? What is the total number of outcome here? You, Sakshi, can I have it? Just stand up and tell me how many total number of event, total outcome. Four. Yes, good. So now tell me, what is the probability for minimum or at least one head? What is the probability for at least one head? अब तुम्हारा favorable outcome कौन सा होगा इसमें? क्या बोला मैंने तुम्हारे को इसमें आने के लिए? कम से कम एक head, है ना? तो कितना है इसमें से तुम्हारा favorable event? बताओ, एक हेड आना चाहिए, तो कितने फेवरेबल इवेंट हुए इसके अंदर? नाउ द टोटल टोटल आउटकम इज इक्वल टू 4, एंड नाउ टेल मी द फेवरेबल आउटकम। अब इसमें से तुम्हारा फेवरेबल आउटकम क्या है? एटलीस्ट वन हेड, बताइए जी। शिवानी, Just sit down. Sir, 3/4. हाँ, मैंने आंसर थ्री बाई फोर मैंने पूछा फेवरेबल आउटकम एटलीस्ट वन हेड कितना है? कौन कौन सा है? एक, दो, तीन, जिसके अंदर हेड है। तो तुम्हें नहीं समझ में आता मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं? ध्यान से सुनो, समझो। मैंने पूछा है कि नाउ द फेवरेबल इवेंट किसको बनाया हमने? एटलीस्ट वन हेड को। तो कितना पॉसिबल है मंजीत? 3। तो इट मींस दैट पी फॉर हेड, एटलीस्ट वन हेड इज इक्वल टू व्हाट इज 3/4। यस, क्लियर? इफ द इवेंट, ओके। अब मैं यहां से अगर यहां हेड हटा के लिख दूं एटलीस्ट टू हेड, आउटकम एटलीस्ट और मिनिमम टू हेड, जी बताओ मिनिमम टू हेड कितना होगा? मिनिमम टू हेड, हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम विथ मिनिमम टू हेड? टू। You? Sir, one. You? Two. कहाँ पर है दो हेड? Yes, Manjit, come and show me where is the two head.
फर्स्ट में कंफर्म है और कहाँ कंफर्म है, और कहाँ कंफर्म है, दो हेड कहीं और है, तो फिर तुमने दो क्यों बोला? अपना चांस क्रिएट मत करो यहाँ पर, यू जस्ट यू डोंट क्रिएट योर ओन चांस कि यहाँ पर एक हेड है तो हो सकता है कि दूसरा भी आ जाए, वो आउटकम में हमने ले लिया। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ दो हेड दोबारा आ जाए, कितने हेड कितनी बार आएगा, वन। सो द फेवरेबल आउटकम विथ मिनिमम टू हेड इज वन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड इज वन बाय फोर। सो डाउन नाउ, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है कुछ? दिस इज बेसिकली अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर फोर, अ बैग कंटेनिंग फोर व्हाइट एंड फोर ब्लू बॉल, नाउ सी एवरीवन क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, सी अ बैग, नाउ देयर इज अ बैग और उसके अंदर फोर व्हाइट बॉल है एंड फाइव ब्लू बॉल, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट, दिस इज व्हाइट एंड फोर ब्लू बॉल, फाइव ब्लू बॉल, तो सबसे पहली चीज कि बैग के बाहर से ये दिखाई देगा हमें, बैग के बाहर से दिखाई देगा ये कलर, नो, तो ये बस यहां पर दिखाने के लिए है, ठीक है। नाउ अब मैंने मंजीत को बुलाया और बोला कि रैंडम एक बॉल निकालो, ठीक, तो कौन सा निकलेगा, कोई भी नहीं, कोई भी, तो उसको बोलो ना मे बी ब्लू मे बी व्हाइट, ऐसे नहीं बोल सकते, कोई भी कोई भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोई भी, मे बी, यहां पर यू कैन यूज मे बी, यस। सो इफ एनीवन पिकर एनीवन पिक एनी बॉल रैंडमली देन द आउटकम मे बी व्हाइट और ब्लू, यस। नाउ सी, यस सर, ओके, अब इसके अंदर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है कि हाउ डू वी डिसाइड द टोटल आउटकम, क्या लेंगे हम टोटल आउटकम, यस, सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट वी हाउ मच वी टेक द टोटल आउटकम, द टोटल आउटकम इज 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 9, इज दैट क्लियर, बिकॉज देयर इज 9 बॉल, ओके। Now, favorable outcome with white is equal to 4, okay, and favorable outcome with blue yes is equal is equal to 5, yes, koi doubt to nahi hai, yes, kisi ko doubt to nahi hai, good, no sir. Now, what is what is the probability for white ball, so we can just write here pw is equal to 4 upon 9, yes, yes, yes. Blue zyada bolo, blue ke liye kitna hoga, फाइव बाई नाइन, इससे कोई इजी चीज है, कुछ पढ़ा है इससे इजी? नो सर, नो, इसमें 100% अपना ब्रेन यूज करना है, इफ यू आर नॉट एबल टू यूज योर ब्रेन, बिकॉज इसको क्या बोलते हैं उसको,
मैस करना है अपने दिमाग में क्वेश्चन। ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जब जब ज्यादा नंबर बड़े हो जाएंगे, जैसे हम एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन, चार कॉइन पे भी जा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम कॉइन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे आउटकम्स भी बढ़ते जाएंगे। इज दैट क्लियर? उस टाइम फिर हमारे को वहां पर आउटकम निकालना होता है। इन क्वेश्चन में तो हमें दिख रहा है कि आउटकम 9 है, वहां पर हमें आउटकम्स निकालने पड़ते हैं, देन वी विल राइट कि हाँ इसका आउटकम ये होगा पॉसिबल। सो नाउ क्लियर? मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे एंड ट्यूजडे इज अ डाउट क्लास। मंडे एंड ट्यूजडे इज अ डाउट क्लास ऑफ द चैप्टर नंबर 24 एंड 25। In 25, there is two exercises or what? Oh, one is the MCQ. Yeah, say oh, two 16 holidays and we will use the next 2 days. There is two. We can use 2 days for revision. Is that clear, everyone, online? Yes, sir. Yes, sir. Okay, bye-bye. Now yes, the class sir. Is over. Now you collect doubt as much as possible. Thank you, sir. Okay, thank you, bye. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir.